एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं नेता लोगों से, पूछते हैं, सोचते भी हैं, लिखते भी हैं, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में? बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं। आज तक देश ने सिर्फ 22,000 टीएमसी ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होते होने लगते हैं? बिजली 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है, फिर क्या किया जा रहा है इस देश में? हर एक चीज में इकॉनमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है। और नीतियां, देश के रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा, कई प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, खड़े रहा भारत, लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी से संपर्क नहीं, विपक्षियों से कोई बातचीत नहीं, नीतियां बदल रहे मनमानी, उसका अंजाम क्या होगा? आज किस सेक्टर में आया है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम लोग, किल्लत है पूरे देश में। जहां किसी राज्यों ने प्रयास किया वहां जो कुछ भी हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहां तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आजादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता, कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा जाता है हर दिन। ये क्या हो रहा है?
ये चीज ऐसे है, 8 साल यानी के मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं, उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार के नाकामियों के वजह से आज काफी नुकसान हुआ देश का हर सेक्टर में। साथ ही साथ जो राज काम कर रहे हैं अपने जगह अच्छा खड़े होकर काम कर रहे हैं, कुछ एक अलग नीति बना के फेडरल सिस्टम को पूरा खत्म करके FRBM एक्ट में तोड़ मरोड़ करके जो संसाधन मिलने चाहिए जो राज्यों के अधिकार में है उसके वो छीना जा रहा है। जो अपने आप विकसित होना चाहते हैं राज्य, जो जहां प्रयास हो रहा है उनको भी काटा जा रहा है। क्या वजह है इसका, क्या कारण है, कोई बताएंगे जवाब है केंद्र सरकार के पास? एक तो ये है, विकास का कोई नाम ही नहीं, सिर्फ नाराबाजी है। कौन सा एक नारा जो सफल हुआ देश में, 2022 तक हर गरीब का अपना मकान होगा, ये मोदी जी का खुद का वादा है। क्या सफल हुआ, मिला सबको मकान? किसानों का आय डबल कर दिया जाएगा, किसानों का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लागत डबल हो गया, आय कहाँ डबल हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर दिन रेप होते शवों के तादाद में, किस वर्ग का विकास हुआ, किसका रक्षा हुआ? और इसको, इन सब चीजों को छोड़ के एक दूसरी बहुत बड़ी खतरा बात, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जो धर्म की बात को लेके लोगों को भावुक बना करके अपने चिल्लर पल्लर राजनीति लब्धि के लिए सारे देश को टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये कहां तक सही है? इससे देश का कितना बड़ा खतरा बनेगा आगे चल के, देश का क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? हालात यहां तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है? आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहां ले जाएगा अपने देश को? इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, कर्जा बढ़ गया, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, किसी सेक्टर में सुधार नहीं आया, ना पीने का पानी मिला, ना सिंचाई का भरपूर पानी मिला, ना गरीबों का कोई अच्छा देखभाल हुआ, तो किसका लाभ हुआ, किसका फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ, और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के। सबसे बड़ा बात है मेक इन इंडिया, क्या है नतीजा मेक इन इंडिया का? हमारे बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उसके मांजा तक चाइना से आता है, नाखून काटने का नेल कटर तक चाइना से आता है, शेविंग ब्लेड तक चाइना से आता है, राष्ट्रीय ध्वज भी हमारा तिरंगा चाइना से बनाया हुआ इंपोर्ट करते हैं, कहां गया खादी हमारा, हमारा बुनकरों का क्या हाल है, क्या हो रहा है? फिर मेक इन इंडिया किधर गया, उसका क्या नतीजा निकला? सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है, और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज, आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए, तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूँगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। भारत में 75 साल के आज़ादी के बाद इतने सारे समस्याओं से
उलझ रहे हैं हम लोग। स्थिति से भारत को अगर निकलकर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए, एक उन उच्च गुणवत्ता वाली बदलाव भारत में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरे दुनिया में जहां ज्ञान है वहां से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी, उन्होंने कर पाया, कर दिखाया, उनका इकॉनमी पहुंच गया $16 ट्रिलियन में। आज हम $3 ट्रिलियन के आसपास में घूम रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है। चाइना में हर चीज हमसे कम है, हर चीज की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, आज टक्कर दे रहा है पूरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरिका को, टक्कर दे रहा है, प्रतियोगिता दे रही है। हम कहाँ रह गए, ये ऐसे बने रहेंगे, ऐसे ही रहना चाहिए देश को? आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूँ जहाँ से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज़ पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। ऐसे पवित्र भूमि में आकर कुछ प्रेरणा मिलता है, इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, राजनीति में जो लोग काम सक्रिय कर रहे हैं उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक हेटेड फैल गया, बहुत बुरा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम संभलने में फिर काफ़ी समय हमें लगेगा। इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है, हमारा कोई प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज कहा जा रहा है खुलेआम देश को चलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष खुद कहते हैं हम सारे पार्टियों का खात्मा करेंगे, एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का तानाशाही लाएंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है, तिरंगा को नहीं उड़ाइएगा, काशा झंडा उड़ाइएगा अपने घरों पर, और वो लोगों का कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये तो देश के साथ गद्दारी हुआ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गद्दारी हुआ, वो लोग खुलेआम बयान देते जा रहे हैं। क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साध रही है, क्या कारण है इसके पीछे? और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे, जिस प्रकार के एक सहिष्णुता हमारे देश में बना हुआ था, जिसके प्रति हमारा देश का बड़ा मान्यता था, जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को नहीं कहा राष्ट्रपिता, सारे देश ने माना है, सर पे लिया है, ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है कितने गंदे तरीकों से, और हम सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहां ले जाएगा देश को? क्या हम अपने दादा परदादा का अपमान करेंगे, अपने खानदान का अपमान करेंगे? ये किसी देश में होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहां ले जाएगा भारत को, आगे तफ्ता को हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे भारत किसको चाहिए? और इनके प्रति कोई मतलब कुछ हुआ है, इनका कोई काम है, इनका कोई योगदान है, फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है, किसमें सुधार हुआ जी? बातों के सिवाय कोई काम है नहीं। जब ये विपक्ष में थे, गला पाड़ पाड़ के जिन बातों कह रहे थे, जिन बातों का विरोध कर रहे थे, आज वही बात ही अमल कर रहे। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन टोटली, LIC को क्यों प्राइवेट कर रहे जी? दुनिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सक्षम कंपनी है, सक्रिय कंपनी है,
करोड़ों जनता का, इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है ये बेचने में लगे हुए? आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया, सब बेच दो, सभी बेच दो, सभी प्राइवेट कर दो, फिर क्या बचेगा देश को? बेच बेच के हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? इसीलिए सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, और हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमजोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चे हरिश्चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारा दुनिया जानता है, सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, घोटाले किए जा रहे हैं, कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहां के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है कि भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे शाहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका पे दबाव लाया है। वहां के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहां के रोडों पे, ये सारे दुनिया के सामने है। कितना अपमान होता है देश का, इसका कितना भारी हमको चुकाना पड़ता है, देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके, जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। और इन्होंने साफ कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या अहमदाबाद कॉरपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दाव पर लगा रहे थे? वो आज हारे हुए, दूसरा आके बैठा है। देश के बारे में कुछ ख्याल है जो मन में आए कह दिए? इस प्रकार के नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति जरूर कदम उठाना चाहिए, आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए, जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है, आपका मान्यता है, मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का, फोर्थ स्टेट का, इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए। आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए, मेरा आपसे अपील है। एंड आई नाउ वेलकम यू टू फॉर एनी क्वेश्चन। सर ये जो बार वन एट ये आपने शुरुआत कर दिया ऑपोजिशन यूनिटी का आज, वन एट ए टाइम। राव साहब आपने ऑपोजिशन यूनिटी का शुरुआत किया, आप हैं, नीतीश जी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, तो क्या आप अपील करेंगे सारी पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए? दूसरा कि इसके पहले हमने देखा है कि थर्ड फ्रंट का जो भी प्रयोग रहा है वो विफल रहा है, तो क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी तभी एक चैलेंज दे सकते हैं जो आप बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? और क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में आप लोग दे सकते हैं या कोई और अन्य नेता होगा, क्योंकि नेता तमाम है? एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन नेता कौन होगा? आपको इतने घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समझ आएंगे। लेकिन आपने अभी 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 आपने इतनी अभी आपने इतनी समस्याएं, मैंने आपका जवाब दे चुका सर, सर एक सेकंड, अभी आपने जवाब समस्याएं बताई, मैंने आपको अभी जवाब दे चुका है। हमारी बैठक होगी विस्तार में, हम बात करेंगे,
जरूर किसी एक नेता चुनेंगे, आप घबराहट क्यों है? कांग्रेस ऑन बोर्ड रहेगी, मैं जो कह रहा हूँ विस्तार में बात होगा, उस बात के बाद कौन साथ होगा कौन नहीं होगा उसके निर्णय लिया जाएगा उस बैठक। राव साहब हमें कोई जल्दी नहीं है। राव साहब अभी आपने अभी विस्तार से बताया कि कई क्षेत्र में अशांति है, गरीबों में अशांति है, किसानों में अशांति है, धार्मिक सद्भाव खत्म है, और यह भी आपने कहा कि जब भी अशांति है होता है तो बिहार से क्रांति होता है तब शांति आता है देश में। तो अभी चारों तरफ अशांति है, बिहार के पावन धरती पर आप बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं जेपी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसा मन में विश्वास है कि जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहाँ से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी और जो आप शांति चाहते हैं हर क्षेत्र में, जो देश के हित में चाहते हैं, वहाँ एक नई रोशनी मिलेगी? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस देश का दुर्दशा यह है कि देश के कुछ भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है, जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमारू है। जब देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए, विशेष नीतियां बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए, काफी डिमांड उन्होंने किया है, हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है, बात बाहर भी सुना है। जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जिस नीति आयोग को बनाया गया है उसमें भी हम दोनों मुख्यमंत्री के हैसियत में वहाँ हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, उस समय भी मैंने सुना है नीतीश जी को वहाँ कहते हुए, उन्होंने डटकर कहा कि भाई हमको ऐसा कहना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे जी, क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, कारण क्या है, कोई कारण बताएगा? देश का प्रधानमंत्री, राजस्थान राजस्थान जैसा ही रह जाए? मैं जब नीतीश जी से लंच कर रहा था, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, कई अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे थे, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उन लोगों से, सर भी साथ में थे, कि क्या नीतियां बन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, ये मेरी अपनी बात नहीं है, तेलंगाना एक यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। तेलंगाना जब बना 2014 में, हमारे पास भी कई समस्या ऐसे थे, बिजली की बड़ी किल्लत थी, बहुत ही किल्लत थी, कब आता कब जाता भगवान जाने, हर दिन हजारों मोटर जलते थे किसानों के, बिजनेस तो सबसे ज्यादा था कन्वर्टर जनरेटर स्टेबलाइजर, बहुत बड़ा बिजनेस था उन लोगों का, मोटर वाइंडिंग करने वाला का भी इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन आज तेलंगाना में एक 6-7 साल के प्रयास के बाद, कठिन प्रयत्न के बाद, 24 घंटा करंट हम देते हैं जी हर सेक्टर को, उच्च गुणवत्ता वाला बिजली हर सेक्टर को देते हैं। और ये मेरा बात नहीं है, आंकड़े भी मेरे नहीं है, पार्लियामेंट में मंत्री जी केंद्र सरकार खुद बताती है, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में जो पावर के कंपनियां जनरेटिंग स्टेशन बनके है, किसी न किसी बहाने उनको स्ट्रेस्ड असेट्स कहके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है। 30,000 मेगावाट क्षमता रखने वाले कारखाने जो बटन दबाने पर बिजली दे सकते हैं, एनसीएलटी किनसीएलटी पिनसीएलटी एक बुरे बुरे नीतियों के अनुसार वो फंस गया है।
क्या हो रहा है देश में, किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है, किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है, इसके पीछे क्या है, बड़ा षड्यंत्र है। जैसा मैं कह रहा था, देश को पूरा प्राइवेट 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 बेचो इंडिया चल रहा है, ऐसे किसानों को भी बेहाल कर देंगे, उनके पैदावार ही नहीं खरीदेंगे, सही नाम नहीं देंगे, किसान के साथ झूठे वायदे करेंगे, इनकम डबल करेंगे छोड़ देंगे, 13 महीने जब चुनाव आते हैं तो मीठी मीठी बातें करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, चुनाव खत्म हो गया तो झूठी बातें कहेंगे, क्या हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जी किसानों से खुद माफ़ी मांगे थे, क्या हुआ इतने महीने बीत गए, क्या हो रहा है, केंद्र सरकार के पास इतना भी हौसला नहीं है, कुछ कुछ बात कह सके किसानों को, इस देश के किसानों को, क्या हो रहा है देश में। अगर किया जाए, ये बात मेरा नहीं है जी, विशेषज्ञों का है, शास्त्रज्ञों का है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है, ये क्षमता है देश में। बैड पावर पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द बैड पावर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पास तेलंगाना में ये कोयला खान है जिसके हम ओनर है, तेलंगाना राज जो सिंगरेनी कॉलरीज के नाम से जाना जाता है, हमें मिलता है जी कोयला 3,800 रुपये में एक टन मिलता है हमारे जनरेशन स्टेशन को, जबकि हमें केंद्र सरकार से हुक्म आता है 25,000 में एक टन खरीदना पड़ेगा आपको, आप नहीं करोगे बंद करेंगे सप्लाई कोयल इंडिया से, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, कितने लाखों करोड़ का घोटाला है, क्यों मजबूर किया जा रहा है। हमने सवाल किया है, हमने हमारे असेंबली से कह दिया है प्रधानमंत्री को, भाई हम नहीं खरीदेंगे, जो मर्जी आप कर ले, जो कार्रवाई आपको करना कर ले, लोकतंत्र है, हम पे जबरदस्ती नहीं टोकना चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे। जब हमारे खुद के कोयला खाने से हमको 4,000 के अंदर कोयला मिलता है, 25,000-30,000 में खरीदने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को मजबूर करता है, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि किसान मजबूर हो जाए, पावर बिल बढ़ाया जाए, उसका फसल नहीं खरीदा जाए, बेहाल होकर किसान छोड़ दे, और सारे जमीन खरीदने के लिए इनके मित्र तैयार हैं करोड़ों पति, एक ही चीज बचा हुआ है, खेती किसानी इस देश में, उसको भी ये लोग कॉरपोरेट करना चाहते हैं, कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर देना चाहते हैं, ये बड़ा बदनसीब बात है। इसीलिए हर किसान को जागना चाहिए, हर किसी को जागना चाहिए, हर बुद्धिजीवी को जागना चाहिए, इन षड्यंत्रों को पहचानना चाहिए और इसके समाधान निकालना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, हम यूं ही नहीं कहते कि बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी से खतरा है इस देश को, इस खतरा को समझे, क्यों बेहाल परेशान किया जा रहा है किसानों को। प्रधानमंत्री जी खुद माफी मांगे उसके बाद समस्या सुलझता नहीं है, फिर किसान आंदोलन पे क्यों उतर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज हाल में अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद में 26 राज्यों से किसान संगठन के नेता मेरे पास आए थे, हमारे पास जो कार्यक्रम हुए, हम देते हैं जी हर एकड़ में 10,000 का लागत देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं हमारे किसानों को, तेलंगाना किसानों का हमने बीमा करवाया, सारे प्रीमियम हम भरते हैं LIC को, और जिस किसी भी किसान का किसी भी कारण एक्सीडेंट नहीं, किसी भी कारण मृत्यु हुआ, 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में सीधे ही 5 लाख रुपए पहुंच जाता है। क्या इतना भी नहीं कर सकता केंद्र सरकार, इतनी क्षमता नहीं है। जो बात तेलंगाना में संभव है, पूरे भारत में क्यों संभव नहीं है। हम हर दाना खरीदते हैं किसान से तेलंगाना राज्य में, 7,000 परचेजिंग सेंटर्स हमने खोला है, हर एक दाना टिल द लास्ट ग्रेन तेलंगाना सरकार ही खरीदता है MSP देके। क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों तंग किया जा रहा है। राव साहब, एक सवाल है आपसे, आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रूप में किस तरह से देखते हैं सर? अरे सब छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का
सुनिए ना, वाई वाई यू आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट. नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है. सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दे. जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे. मैं एक कौन बनता हूँ, मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे. आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है. सर सर सर, आप सर, आप संपूर्ण भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं. सर देखो, कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में संपूर्ण विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं. जी जी जी, क्या है? तो आप जिनको हराने की बात कह रहे हैं. मैं नहीं सुना जी. सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे, और 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं. मैंने कहा प्रयास करेंगे. ठीक है सर, उसी प्रयास लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे, मिलकर चलेंगे. आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे. आप जिनको 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है. चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा. बिल्कुल. क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा नहीं. आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए. इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूँ. आप भी बैठिए आराम से. आप भी बैठिए. अरे आप बार बार क्यों इस पूरे सर इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं. देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है. मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ. मैंने कह दिया योर हिंदी इज वेरी गुड. आप भैया बहुत अच्छी है. मैंने बता दिया है. आप बैठिए. मैंने उनका नाम लिया तो कौन है? आप बैठ जाइए. ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे. भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे. ठीक है, इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है, वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे. विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है. सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18. हो ही नहीं सकता. सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18. सर अब चलिए रे, झूठ मुठ किया. एक मिनट बताइए. बोलने दीजिए सर. बैठिए. सर राव साहब अतिथि हैं, बोलने दीजिए. आप बैठिए ना. लास्ट क्वेश्चन बैठिए प्लीज. सर लास्ट क्वेश्चन केसीआर सर. नहीं नीतीश जी बैठिए ना प्लीज. हो गया, चलिए ना. केसीआर सर लास्ट क्वेश्चन. अरे ये कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे. सब अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या हो? सर वन क्वेश्चन फ्रॉम सर, वन क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन सर. अच्छा आपको बोल दिए सर. यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग गुजरात मॉडल ऑल द टाइम एंड बोस्टिंग अबाउट योर तेलंगाना मॉडल. कुड यू प्लीज इलेबोरेट ऑन दैट? एंड ऑल्सो विल देयर बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स इन दिस फ्रंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? देखिए ऐसा है, बैठिए. गुजरात मॉडल जिसका आपने बात कहा है, वो 100% फ्लॉप मॉडल है. 100% हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने ला चुके हैं. जहां गांधी जी का जन्म हुआ, कहते हैं कि भाई प्रोहिबिशन है हमारे पास, लेकिन वहां
कलती शराब इलिसिट लिकर पी के 70 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो प्रधानमंत्री जी का खुद का राज्य है। डू यू थिंक दैट गुजरात मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल? यू थिंक सो? इट इज 100% फ्लॉप मॉडल। आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए कहाँ जा रहा है देश, उसमें गुजरात भी इतना अंदर है। गुजरात में भी बिजली की किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है, उद्योगपति भी आंदोलन कर रहे हैं बिजली दो हमें वरना हम अन्य राज्य में चले जाएंगे, ये हर रोज सुनते हैं जी। अब हमारे पास भी गुजरात के कई बिजनेसमैन काम करते हैं हैदराबाद में। गुजरात मॉडल इज ए अटर फ्लॉप मॉडल। गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता, वहाँ दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में? कल जो वाक्य हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में? ये गुजरात मॉडल है? ये मॉडल चाहिए हिंदुस्तान को? कब तक, कहाँ तक चलेगा? 100% इट्स ए फ्लॉप मॉडल, इट्स प्रूव्ड। डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जी। वो अगर संभव हो तो सुनने के लिए अच्छा ही लगता है। तो हमारे जैसे देश में वो कहां तक संभव है, कहां है, उन चीज के बुद्धिजीवी है वो सब बैठ के तय करे, प्रयास करे, अगर हो सके तो हो जाए। Mr. Rao, one small question. I've been trying to reach out to you for quite some time now. The question being that it appears more or less from whatever deliberations you people had that your idea of cobbling up a third front yet again, in the past we do have such instances. It is not third front. Why let's are you not naming? Call it third front. Why you are naming it as a third front? No. We have never named it an alliance. Let's call it an alliance. Main front. Why are you calling okay, front? Main front. So in the past, it has been failed attempt. What do you think this time round there would be some kind of cohesiveness despite all the inherent contradictions? देखिए ऐसा है, आपका सवाल का मैंने जवाब दे चुका है। पीछे जो परिणाम हुए, जो फ्रंट्स फेल हुए हैं, ये सारा देश भी जानता है, राजनेता भी जानता है, हर कोई जानता है। इसीलिए हम कह रहे हैं भाजपा से जो खतरा सामने आ रहा है, जो उभर रहा है, उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास, अच्छे प्रयास, उच्च गुणवत्ता वाला प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। उससे क्या बात निकल कर आती है देश के सामने, आप थोड़ा सब्र से काम। सर बिहार में सरकार फ्रंटी है भाई, आपको क्यों इतनी घबराहट है भाई? हम बताएंगे ना राव साहब, राव साहब बैठेंगे बताएंगे, आप क्यों ऐसे सवाल उठा रहे? यानी कि आप विपक्ष के अंदर आप फूट डालना चाह रहे, फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? हम बताए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आप दोहराते जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया आपका। राव साहब एक सवाल इधर से है, बिहार में सरकार बनते ही जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय एजेंसी का छापे पड़ रही है, कई सवाल जो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वो भी सीबीआई ईडी आईटी पे उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जिस प्रकार विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, फर्जी भी है झूठे भी है बहुत सारे, सताने के लिए राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, ये सारा देश जान गया है, सारा देश। ये कार्टून आया था बिहार में, जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कार्टून आया, एक बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ईडी सीबीआई और कुछ क्या पता नहीं क्या क्या आईटी। अधिकारी भाग रहा है, उनके मिसेस पटलून पकड़ के पैंट तो पहन के जाओ, ये कार्टून आया जी, सारा देश हंस पड़ा इस पर। यानी कि इस एजेंसी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी कितना अपमान इस देश में हो रहा है, उनका जो मान्यता है उनको किस प्रकार का राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा देश जान चुका है। आप लोग भी बखूब जानते हैं हमसे, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सो डू यू सर, डू यू थिंक दैट कंसेंट ऑफ द सीबीआई शुड बी विथड्रॉन इन बिहार एज इट हैपेंड इन अदर स्टेट्स? नहीं, इट शुड बी विथड्रॉन एवरीवेयर। ओके, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जो जहां चाहे घुसपैठ करे, षड्यंत्र करे, डिक्टेटरियल कंट्रोल चलाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो भी एक पार्टी लाएंगे, एक ही ध्वज लाएंगे, एक ही मैं रहूंगा, मैं पन्ना मैं का घर हमेशा खाली, ये होता हुआ दिखा हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी, अब भी बिल्कुल होके रहेगा। आपको धन्यवाद।